तो ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट तो है बहुत इजी पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा बुक से बट एक पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे सब देखो हर चीज़ के पास सिम्पथैटिक स्टमेशन भी है भी सिंपथैटिक पैरसिम्पथिक ठीक है वो सारे हैंड टू तो हैंड चल रहे हैं बट आपके पास किडनी ऐसी यहाँ पे एक ऑर्गन शो किडनी और उसके ऊपर सुपर जो ग्लैंड होता है डीनल में डला ग्लैंड जो है इनमें सिर्फ और सिर्फ सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन है पैरासिम्पथेटिक डिवीजन की इसमें कोई इनोवेशन नहीं है बाकी बॉडी के देखो हर जगह पे जो है और पैरासिमथेटिक साथ साथ चल रहे हैं बट आपके पास जो किडनी अडीनर मिडल इनमें इन सिर्फ और सिर्फ सिम्पथैटिक है ठीक है ये तो दो पॉइंट्स बताए हैं ये चीज़ आपने याद रखनी है सिम्पथैटिक हमारे बॉडी में चार ऐसे चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ से भी बताती हूँ जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंपथेटिक इनोवेशन होती है मोस्ट टिश्यूज़ रिसीव डोअल इनर्वेशन होती है बट एडिनल मिडेला किडनी पायलोमोटर मसल्स और ग्लैंड दे रिसीव इनोवेशन ओनली फ्रॉम सिंपथेटिक सिस्टम ठीक है ये आपको बता uh, होना चाहिए उसके अलावा हमारे पास अब जो uh, चीज़ रह गई है वो रह गई है इनोवेशन बदसिनस इनोवेशन बदसनरस से पहले आपके पास जो डायग्राम है नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस डायग्राम को करते हैं इस डायग्राम में देखो सबसे पहले हुआ क्या है कि बी uh, पी कम हुआ है ठीक है जिसकी वजह से क्या है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एफरेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं ये आपके पास एक रिफ्लेक्स आर्क है ठीक है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आर्क रिस्पॉन्स टू तो अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर बी पी कम हुआ है जब बी पी कम होगा तो बैरो रिसेप्टर पर प्रेशर कम है तो स्ट्रेच भी कम पड़ेगा और आपके पास जो मंडला में एफरेंट इम्पल्स जा रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी है ठीक है रिड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ एफरेंट इम्पल्स टू द मडेला इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपके पास ब्रेन के पास जा रही है ब्रेन से यह इंफॉर्मेशन वापस ए के थ्रू जाने कि बी पी नॉर्मल हो जाए क्या होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू डिफरेंट रिफ्लेक्स इंपल्स आई हैं जिसकी वजह से क्या होगा आपके होना क्या है पैरासिम्पथैटिक इन्हीबिशन हो जाएगी ठीक है हार्ट की और सारा वस्कुलेचर की सिंपथैटिक आपके पास एक्टिवेशन हो जानी है ठीक है जब पैरासिपथैटिक इन्हीबिशन पैरासिम्पथैटिक एक्टिवेशन हो गई है तो हार्ट रेट ऑब्वियसली सिंपथेटिक ज़्यादा करवा देगा और जिस वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा और सिम्पथैटिक जब एक्टिवेट हुआ तो हमें पता है हमारे पास जो वस्कुलेचर है ब्लड वेजेज है उनकी कॉन्स्ट्रक्शन करवा के उनकी टोन इंक्रीज़ कर देगा ठीक है ज़ाहिर है जब ब्लड वेजेस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ये चीज़ हो जाएगी आपके और बी पी टू नॉर्मल आ जाएगा दैट इज़ अ रिफ्फलेक्स बैरोप्टर रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत एफरेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी ब्लड प्रेशर कम हुआ स्ट्रेच uh, uh, कम हुआ फिर एफ्रंट कम गई जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिवेट एक्टिव हुआ कहाँ इन्फॉर्मेशन गई है कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स इन द ब्रेन ठीक है कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स इन द ब्रेन फिर क्या होगा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स एफ्रंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होगा जिसमें हमारे पास बी नॉर्मल हो जाएगा टूअर्ड्स ठीक है अब एक पॉइंट था जी कि डुअल इनोवेशन कुछ ऑर्गन है, होते हैं जिनके डुअल इनोवेशन कुछ होता है जिनमें सिवर से होते होता है तो मैं आपको बता दें चार चीज़ें जिनमें से और सिंपथैटिक होता है डुअल इनोवेशन जो है इनोवेशन जो है मोस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं जैसे हार्ट है ठीक है हार्ट की सिम्पथैटिक भी है पैरासिम्पथैटिक भी है आ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको पता होना जैसे हार्ट में वेगस भी होती है हार्ट में सिम्पथैटिक भी होता है ठीक है बट प्री डोमिनेंट जो होते हैं वेगस होती है ठीक है और ये एक मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे होते हैं कि हार्ट रेट वर्ड्स नॉर्मल रहे ज़ाहिर है कि अगर सिंपथैटिक ज्यादा हो, हो जाएगी फिर भी मसला होगा पैर सिंपथेटिक ज़्यादा हो जाएगी तो ऑबियस से फिर भी मसला होगा अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि से डिफ्रेंशिएट करा होता है देखो Uh, क्योंकि इसमें सिंगल और एक माइलिनेटेड मोटर न्यूरोन होती है सिर्फ मैंने आपसे कहा था एक ही न्यूरोन uh, है इसमें ठीक है जिसने सी से डायरेक्ट कहाँ चले जाना है स्केलेटर मसल्स के पास चले जाना है और वो माइलीटेड होती है ठीक है ये देखो क्या लिखा हुआ है ओरिजिनेटिंग इन द सी एन एस एंड ट्रेवल डायरेक्ट टू स्केलेटर मसल विदाउट द मीडिएशन ऑफ गैंगलिया सेंटर में कोई गैंगलिया नहीं आता और ओलेंट्री कंट्रोल में उधर सोमेटिक सोमैटिक सिस्टम यह पता चल गया हमें ए एन एस इनवालेंट्री था और जो रि एसोमेटिक डिवीजन का जो रिस्पॉस है वो फास्टर होता है क्यों फास्टर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही है बीच में गैंगलिया नहीं आ रहा मतलब वो टाइम लैप्स कम हो रहा है वैसे उसमें प्री गैंगिक टर्मिनेट करिए गैंग्लिया में वहाँ से पोस्ट गैंगलोन तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था इसमें एक ही न्यूरोना डायरेक्ट स्केलेटल मसल के पास चल जाना तो रिस्पॉन्स फास्टर होगा